दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में दर्ज कराई FIR, लगाए गंभीर आरोप। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने FIR दर्ज कराई है। कांग्रेस ने अमित शाह पर रैली में भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की एक रैली मुद्दा बनाते हुए पार्टी पर भड़काऊ बयान देने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने जनता से की बड़ी अपील। कहा, 45 साल पहले आपने दादी को संकट से बचाया, अब भाई को भी संकट से निकालें। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से झूठे मामलों में फंसाकर भाई राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया है, 45 वर्ष पहले इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही किया गया था। तब चिक्कमगलुरु के लोगों ने उन्हें फिर से संसद में पहुंचाया था। आज उसी तरह उनके पोते राहुल गांधी को भी झूठे मामले में संसद से बाहर कर दिया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी और मेरे पूरे परिवार को पूरा भरोसा है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने जनता से अपील की है कि 45 साल पहले जिस तरीके से आपने दादी को मुश्किलों से बचाया, अब भाई को भी संकट से निकालें। अगली बड़ी खबर, PM नरेंद्र मोदी ने दे दिया सख्त संदेश। कहा, कोई कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की कार्यवाही से कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही उनके विरोधी उनके खिलाफ कितना भी बड़ा गठबंधन बना लें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि नाराज और शोर मचाने वाले लोग पिछले 9 सालों में उनकी सरकार की बनाई गई व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी साजिशों में सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई उनसे नहीं बल्कि आम लोगों से है। पीएम मोदी का यह बयान 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनाने की विपक्षी दलों की पुरजोर कोशिशों को देखते हुए आया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के तकनीक के उपयोग ने सरकारी योजनाओं और अन्य व्ययों में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को खत्म कर दिया है। इससे कुछ लोगों के लिए भ्रष्टाचार के स्रोत रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग गाली नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT, बिजली, पानी और शौचालय जैसी सरकारी योजनाओं ने गरीबों को सुरक्षा और सम्मान की भावना दी है। इन योजनाओं से जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव आए हैं। जिन लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि वे देश के विकास पर बोझ हैं, वे आज विकास की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। शौचालय हो या फिर साफ सफाई, हर वर्ग के लोगों का जीवन बेहतर बना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश दे दिया है कि कोई कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की बड़ी अपील। बोले, प्रधानमंत्री को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिन्होंने आत्महत्या की है। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर उनके सुसाइड नोट वाले बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिनके बच्चों ने किसी भी स्थिति में आत्महत्या की है। दरअसल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक अंग्रेजी के प्रोफेसर की बेटी आत्महत्या कर लेती है और फिर जब उनके पिता को सुसाइड नोट की पर्ची मिलती है तो उसके पिता उसमें स्पेलिंग मिस्टेक पर नाराज हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अवसाद और आत्महत्या खासकर युवाओं में कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनके मजाक पर दिल खोलकर हंसने वालों को इस असंवेदनशील और रूढ़ तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का उपहास करने के बजाय खुद को बेहतर ढंग से शिक्षित करना चाहिए और जागरूकता पैदा करनी चाहिए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी एक टीवी न्यूज के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने एक हल्के नोट पर अपनी एक बात के संदर्भ में एक उदाहरण दिया था, जिसको लेकर पीएम मोदी पर कांग्रेस पार्टी ने असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां बढ़ जाती है विकास की रफ्तार। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव के मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं और जनता के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। राज्य में प्रचार करने वाले भाजपा नेता बताते हैं कि प्रचार के दौरान उन्हें लोगों से कितना प्यार मिलता है, ये भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा और अन्य पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। हमारे विरोधियों का एजेंडा सत्ता हथियाना है, जबकि हमारा एजेंडा आने वाले 25 सालों में देश को विकसित करना है, गरीबी से मुक्त करना है और नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटक की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए भाजपा एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों का दिल जीतने की बात कही। उन्होंने कहा कि बूथ जीतने की शुरुआत तब होती है जब कार्यकर्ता बूथ से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है। वहीं उन्होंने कोरोना महामारी पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण योजनाएं तेजी से जमीन पर उतर रही हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर वो लोग कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना सफल ना हो। कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है और कुछ राज्य ऐसे हैं जो योजना का नाम बदल देते हैं। जब भाजपा को सेवा का मौका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ जाते हैं। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने का उड़ाया मजाक। कहा क्या पंचायत चुनाव में भी उन्हीं के नाम पर मांगे जाएंगे वोट। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अब 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां जनता के बीच में एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगने को लेकर सवाल उठा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उनके चेहरे को देखकर पार्टी को वोट देने की अपील करने के लिए उनका मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि वो जानना चाहेंगे कि क्या पंचायत चुनाव में भी लोगों को उन्हें ही देखकर बीजेपी को वोट देना होगा, क्या वो वहां भी चुनाव लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों को आखिर कितनी बार मोदी का चेहरा देखना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों ने पहले ही बीजेपी के खिलाफ वोट करने का मन बना लिया था और यही कारण है कि उनकी पार्टी के नेता बेतुके और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, क्योंकि वे हताश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे होंगे। कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि इतने सालों में जब भी कांग्रेस सत्ता में आई दंगे हुए हैं। वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण देकर लोगों का ध्यान हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसके खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ इसे देख रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि इस सरकार में अब बेरोजगारी दर सबसे अधिक है और खाली पड़ी रिक्तियों को भी नहीं भरा जा रहा। महंगाई चरम पर है और पेट्रोल डीजल एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज तक महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में खेल दिया बड़ा दाव, आरक्षण बढ़ाकर 75% करने का कर दिया वादा। येदुरप्पा बोले ये चुनावी वादा नहीं होगा पूरा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां वहां की जनता को लुभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ बीजेपी सूबे में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपनी खोई सत्ता को पाने के लिए अपने चुनावी वादों के साथ मतदाताओं को अपने पाले में लाने के प्रयास कर रही है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसकी पार्टी सभी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 75% करेगी। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के अपने एक ट्वीट के जरिए कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करने और सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने पर कर्नाटक में आरक्षण की सीमा को बढ़ाएगी। कांग्रेस नेता के लिए किए गए इस दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में चुनावी वादा कभी भी पूरा नहीं किया जाएगा। अनुभवी लिंगायत नेता की ओर से कहा गया है कि चूंकि सिद्धरमैया आगामी चुनाव में बुरे तरीके से हारने वाले हैं, इसीलिए राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है। कर्नाटक में लिंगायत के प्रमुख नेता येदुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में बुरे तरीके से पिटने जा रही है और हार की ओर अग्रसर है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे राजनाथ सिंह, बोले कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बड़ा भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि चुनावी राज्य कर्नाटक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार बढ़
गया। बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है। हर बार जब केंद्र में उसकी सरकार होती है तो पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अतीत की कांग्रेस सरकारों और वर्तमान की बीजेपी सरकार के बीच में तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों से केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, ना तो हमारे प्रधानमंत्री और ना ही किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप है। धारवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार सभी भ्रष्ट नेताओं की जांच करेगी, चाहे वे कितने भी प्रमुख क्यों ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए या नहीं। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी को भी हम नहीं बख्शेंगे। पिछले 9 साल में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 1,10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि यूपीए की पिछली सरकार ने अपने 10 साल के शासन में केवल 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी सरकार सभी भ्रष्ट नेताओं की जांच करेगी, चाहे वे कितने भी प्रमुख क्यों ना हो। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को दे डाली खुली चुनौती। कहा, हिम्मत है तो शरद पवार के अदाणी से रिश्तों पर भी करें ट्वीट। ये आपको बता दें कि आजकल देश की राजनीति में अदाणी नाम चर्चा में है। पक्ष विपक्ष इस नाम को लेकर एक दूसरे पर वार करता दिख रहा है। जहां पर कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही थी, तो वहीं अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने को कहा है। बता कि ये बयान अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और शरद पवार के बीच में हुई बैठक के बाद दिया गया है। हेमंत विश्व शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार की अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी से हुई हालिया मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हम अडानी के दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूं। पूर्वोत्तर के लोगों को अडानी अंबानी और टाटा तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, हम वहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी में शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने की हिम्मत है? क्या वो ये पूछ पाएंगे कि अडानी के साथ में शरद पवार जी का क्या संबंध है? असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ सुविधा की राजनीति करते हैं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की आ गई बड़ी आफत। बंगाल में रामनामी पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट हो गया सख्त, एनआईए को सौंपी जांच। ये आपको बता दें कि रामनामी के मौके पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। हावड़ा और दालकोला समेत अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच अब कोर्ट ने आतंकरोधी एजेंसी एनआईए को सौंप दी है। गौरतलब है कि रामनामी के दौरान पूरे बंगाल में हिंसा भड़क उठी थी। यहां पर कई वाहनों को आग लगा दी गई थी, जबकि पत्थरबाजी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थीं। इसके अलावा कई जगहों पर अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों के बीच में टकराव के मामले भी सामने आए थे। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस पीएस सेवागनानम की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को बंगाल पुलिस से एनआईए को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। अपनी जनहित याचिका में अधिकारी ने कहा था कि रामनामी पर हुई हिंसा में बमबाजी हुई है और इसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जानी चाहिए। इसी याचिका पर कोर्ट ने बंगाल पुलिस को मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार को इन दस्तावेजों को एनआईए को भेजने के लिए कहा गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।